मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। इधर देख रहा हूं कि जब मैं आया था चिल चिलाती धूप थी, धूप थी, लेकिन इधर मौसम भी बदल गया है और हमारे लोग अक्सर पढ़ते होंगे कि देश दुनिया के लोग क्लाइमेट चेंज पर बहुत बहस करते हैं। क्लाइमेट चेंज पर इस बार क्लाइमेट चेंज के साथ साथ पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज भी बदलने जा रहा है, इसलिए मैं आपसे समर्थन और सहयोग मांगने आया हूं। ये 10 साल से बीजेपी की सरकार ने हमें आपको सबको धोखा दिया है और 10 साल अगर पीछे मुड़कर के हम देखेंगे तो इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। और याद कीजिए हमारे बलिया के किसान भाइयों, यही देश के प्रधानमंत्री कहते थे हमारी सरकार आ जाएगी, सत्ता में आ जाएंगे तो हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज 10 साल बाद न किसानों की आय दोगुनी हुई लेकिन जो लागत बढ़ी है, महंगाई बढ़ा करके लागत लगातार बढ़ती चली जा रही है। डीजल पेट्रोल तो महंगा किया ही है, बीज कीटनाशक दवाइयां महंगी हुई, खाद डीएपी महंगी कर दी और ऐसा भी देखा कि इन्होंने बोरी से चोरी भी शुरू कर दी। जो किसान भाई खाद लेने गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि पहले 5 किलो और फिर 5 किलो, बताओ इन्होंने 10 साल में खाद की बोरी से कितनी चोरी कर दी। ये 10 किलो चोरी हुई है, न केवल 10 किलो चोरी खाद की बोरी से की है बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे जिस समय वो डीएपी लेने गए थे उस समय सरकार से ये निर्देश थे कि जब तक नैनो यूरिया नहीं खरीदेंगे तब तक उन्हें डीएपी नहीं मिलेगी। नैनो यूरिया खरीदी लेकिन बताओ हमें जो नैनो यूरिया दी क्या किसी किसान की पैदावार बढ़ गई? क्या किसान को किसी को लाभ पहुंच गया?